चार साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी है उसको हम प्राथमिकता देंगे, तो सस्ता मजदूर देश में तैयार होगा। ट्रैक्टर ट्यूटर और टैंक देश का नौजवान चलाता है, वो तीनों चीज चलाएगा, जब जरूरत पड़ेगी ये फिर चलेंगे, यही दिल्ली की सड़कों पर फिर चलेंगे। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, इसको आंदोलन को भड़काने का काम न करें, इन्हीं के लोग आगजनी करते हैं, देश का युवा कोई आगजनी नहीं करता है। यहाँ किसान को आतंकवादी बताते थे, दंगे ही बताते थे, इन्हें बच्चों को भी बता रहे हैं। भाई हम ये पूछ रहे हैं कि चार साल की नौकरी होती क्या, जो इसका समर्थन करता है वो अपनी नौकरी छोड़ दे और फिर कहेंगे मैं सब। पूजा आप देख रहे हैं जनहित आवाज, इस वक्त हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी। सबसे पहले उनसे ये सवाल कर लेते हैं, सर जिस तरीके से जवानों के साथ अब जो हो रहा है और जवानों के लिए अग्निपथ ला दिया, पहले किसान था अब जवान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो चार साल की नौकरी नहीं होती, चार साल का तो बेकाबा होता है, और ये अब ऐसे लोग नहीं है ना देश का नौजवान और युवा है कि वो चार साल में बहक जाएगा, उसको अपना हिस्सा चाहिए, भागीदारी चाहिए। यहाँ पे वो चार साल में पूरी नहीं होती, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे देश चलता कि आप चार साल में नौकरी दे दोगे फिर उसको रिटायर कर दोगे, कहाँ जाएगा चार साल के बाद में, कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा, इसका किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। कॉर्पोरेट हाउस में तो जो है उनको मिल रही है ना नौकरी, मिल जाएगी, अब दूसरी नौकरी भी साथ साथ कर सकेंगे, दो दो ऑप्शन है उनके पास। दूसरी नौकरी कैसे कर सकेंगे? कॉर्पोरेट हाउस इसी पे ही दे दो ना, जिसको परमानेंट करना है, जिसको 15-16-20 साल की नौकरी करवानी आप वो भर्ती अलग रखो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे देश की सेना कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाती, ऐसे वो नहीं जाती ना, देश का युवा मानेगा, ये सरकार को वापसी लेना पड़ेगा और इसको सरकार को वापसी ले लेना चाहिए। इसमें खराबी क्या है? 30 दिन की पेड लीव भी जो है मिल रही है अच्छी खासी, आपको कई साल हो गए नौकरी करते, जिसकी 4 साल नौकरी होगी जो ज्ञान देने वाला है वो पहले अपनी नौकरी छोड़ दे। जी देश में चल क्या रहा है, सरकारें योजनाएं बनाती है उसके खिलाफ आंदोलन उठ जाते हैं, क्या देश इसमें ही बटके रह जाएगा? जब सरकार इस तरह की योजना बना रही कि देश को बेचने का प्लान बना लिया और कुछ हाथों में देश को बेचा जा रहा है, देश की प्रॉपर्टी जा रही है, देश में श्रम कानून लेकर आगे अपना इस तरह के योजनाएं जो सरकारों की है तो उसका विरोध होगा पूर्ण रूप से। किसान आंदोलन में आप अराजनीतिक होते हुए भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में ना, हम तो नहीं आए भाई, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें बताओ कौन सी सीट से हम चुनाव लड़े, विपक्ष ऐसा लगता है नींद की गोली खा के सोया हुआ है। विपक्ष तो है ही नहीं, अगर देश में विपक्ष होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन के लिए भी आपको नेतृत्व? बिल्कुल, हम इनके साथ में है, बच्चों के बच्चे कोई भी हिंसक उसमें ना जाए, इनके बीच में कुछ लोग घुस के सरकार के ही लोग इनके बीच में घुसेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इनके नाम करेंगे, इस आंदोलन को बदनाम करेंगे और ये आंदोलन टूट जाएगा अगर यही हाल रहा। लोग शांति से अपना बट्ठे जहाँ पे भी है बट्ठे हैं, लाठियाँ पुलिस चलावेगी। वाराणसी के जो वाराणसी के कमिश्नर इसका नाम जब अग्निपत्र रख दिया तो भाई अग्निपत्र तो कलयुग है, अग्निपत्र का ना अधिकारी बैठे टिकर फायदे बता रहे सर, इस अग्निपत्र के फायदे बढ़ा रहे, पेंशन ले रहे, फायदे बता रहे, वे भी 15 साल कर ले, उनके परिवार वाले जो और लोग फायदे बता रहे हैं वे 15 साल के कर ले, जो MP MLA फायदे बता रहा वो एफिडेविट के मैं आपकी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं पेंशन भी नहीं लूंगा। बीजेपी कह रहे आप जैसे लोग भड़का रहे नहीं युवाओं को, और वह भड़का रहे तो भाई भड़की मान लो हाँ और क्या, देश में हम आग नहीं लगवाते ना, हम भड़काते, हमने तो 13 महीने नहीं भड़काए, लेकिन देश में ट्रैक्टर चलाना अब सीख लिया, ट्रैक्टर ट्यूटर और टैंक देश का नौजवान चलाता है, वो तीनों चीज चलाएगा, जब जरूरत पड़ेगी ये फिर चलेंगे, यही दिल्ली की सड़कों पे फिर चलेंगे। नहीं डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सामना आए घर तोड़ रहे हैं, नहीं कोई नहीं तोड़ रहा ना, कोई घर तोड़ता देश का जवान, कोई किसी का घर और वो नहीं तोड़ता। उत्तराखंड में यात्रा निकाल ली थी, आंदोलन जब इतना बड़ा हुआ और फिर भी भाजपा जीत गई तो इसमें लोगों को संशय है
कि दिखावा कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। वो तो आ रहे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दे, जीत का सर्टिफिकेट 30,000 से भी हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट दिए भाई। हमने अपने वहां तो देने दिए, शामली में इसमें जहाँ थे हमने ये कहा था कि 10,000 आदमी गिनती पर चाहिए, 1,000 ट्रैक्टर अगर वो लेकर जाते तो कुछ नहीं होता। दो सीट तो निकाल ले गए उसमें आप। हमने हमारा कोई हम पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, ये तो पॉलिटिकल वालों को जिनको चुनाव लड़ना होगा वही वही करें। किस तरीके से आग लगी है, कैसे थमेगी आग? थम जाएगी आग, कहाँ जा रही है, रुक जाएगी। कुछ लोग पकड़े जाएंगे बच्चे, वो सरकार ये है कि बच्चों को उनको छोड़ना, जो जो लोग भी गिरफ्तार कर रहे हैं। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, इसको आंदोलन को भड़काने का काम न करें, इन्हीं के लोग आगजनी करते हैं। देश का युवा कोई आगजनी नहीं करता। किताब छापी सर आपको लेकर? किताब छापी तो जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उस किताब के खिलाफ भी होगा, जो शाखाएं लगेगी उससे हम सवाल जवाब जरूर करेंगे। रखते हैं सर वो शाखा वाले? कोई बात नहीं, देखेंगे वो। सर अग्निवीर जिस तरीके से आगजनी कर रहे हैं वाराणसी के, कर रहे ना अग्नि ना अग्निवीर नाम रख के आगजनी सरकार के लोग कर रहे हैं। वाराणसी के जो कमिश्नर है वो तो इन्हें बच्चा बता रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं सड़कों पे उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं शांति पूर्वक, उन्हें दंगाई बता दिया जाता है। ये दंगाई और आक्रोश का खेल? दंगाई दंगाई तो सबको बताते हैं, सरकार के लोग यहाँ किसान को आतंकवादी बताते थे, दंगाई बताते थे, इन्हें बच्चों को भी बता रहे हैं भाई। हम ये पूछ रहे हैं कि 4 साल की नौकरी होती क्या? जो इसका समर्थन करता है वो अपनी नौकरी छोड़ दे और फिर कहेंगे मैं सब गार्ड बनेंगे बाद में 4 साल बाद ट्रेनिंग के आकर गार्ड फैक्ट्री होंगे, इनका ये इलाज करेंगे। पहले ही कहते थे कि नौकरी लगी और शादी होती थी, अब लड़की वाला बोलेगा 4 साल बाद दोबारा सिलेक्शन होगा तो ब्याह हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, इसमें रिश्वत खोरी बढ़ेगी, फाइनेंशियल क्राइम बढ़ेगा, मानसिक क्राइम बढ़ेगा, शारीरिक शोषण होगा, इसमें सारी चीजें होंगी। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं शादी नहीं होगी 22 साल। अरे शादी तो चलो बाद में जब होगी, शादी तो बाद में होगी, पहले तो इस तरह तो बैठ जाने, बैठेंगे जीत होगी जनता की। टीवी वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं इस स्कीम को लेकर, भाई उन्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी, मीडिया हाउस बचाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बहुत मेहनत करती सर बताने के लिए। हाँ बताने के लिए करी भाई मेहनत, अगला बार इनका भी है, टीवी वालों का ही है, नेशनल टीवी चैनल बनेगा, वहां से ही खबरें प्रसारित होगी, जो खबरें सरकार देगी ये देश में कोरिया की तरह से वो चलेगा, उसी टीवी से खबरें उठानी पड़ेगी इनको भी। सर मोदी सरकार जो भी कानून लाती है सबका विरोध होता है सर, देश में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा मोदी सरकार कानून ले आओ ना, जनसंख्या का ले आओ कानून, जोन सा जाना हो जाएंगे, जनसंख्या का ले आओ ना कानून, वो लेकर आते। एक मिनट आदरणीय टिकैत साहब, एक निवेदन है, जिस तरह से पूरे देश में वो बुलडोजर चला रहे हैं, उसी तरह से हमारा ये कहना है कि आप जेसीबी चलाइए। जेसीबी का मतलब होता है वो, सुनिए, जेसीबी का मतलब ज्योतिबा फुले, सी का मतलब छत्रपति साहू जी महाराज, डी का मतलब बाबा साहब वो अंबेडकर। आप जेसीबी के विचारधारा को गांव गांव में चलाएंगे, चलाएंगे उसको, बस बस बढ़ाएंगे। ये तो भी योजना बनाने से पहले समीक्षा नहीं करते, ये फिजिकल सर्वे नहीं करते और बातचीत नहीं करते। सत्ता का केंद्रीकरण ज्यादा हो रहा है विकेंद्रीकरण की बजाय। विकेंद्रीकरण तो है ही नहीं, सत्ता एक ही जगह है, वहाँ से ही संचालित होती है। चलो फोटो नहीं करना चाहिए, पैर धुलने चाहिए, जिसको मानता है माता के पैर धोने चाहिए, लेकिन वो एक स्टंट है कि पैर धोते हैं फोटो वायरल हो रही है तो वो नहीं। अडानी अंबानी का कोई रोल है इसमें अग्निपथ में? भाई रोल तो इन्हीं का ही है, देश को बेरोजगार तो यही बना रहे, देश लेबर कॉलोनी बनेगा, पूरी दुनिया को मजदूर चाहिएगा तो यहाँ मिलेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए सस्ते लेबर कहाँ पे अवेलेबल होगी वो यहाँ पे होगी। आने वाले टाइम पे जब 4 साल हो जाएंगे तो इंडस्ट्रीज के लिए भी रास्ते खोले जाएंगे कि जिसने 4 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी है उसको हम प्राथमिकता देंगे, तो सस्ता मजदूर देश में तैयार होगा, ये इनकी प्लान है पूरी। देखा राकेश टिकैत जी भी अभी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया किस तरीके से पहले जवान
पहले जो है किसानों के ऊपर वार किया गया, अब जो है जवानों के ऊपर वार किया जा रहा है। अब अग्निपथ जैसी योजना, भारी भरकम योजना ला दी जाती है, फिर उसका विरोध होता है, लगातार सरकार जो है घेरे में रहती है और लगातार सरकार ऐसे कुछ ना कुछ कानून लाती है जिसका विरोध हमेशा देश में होता रहता है। इसी तरीके से आप देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।